सो वी हैव दिस क्वेश्चन ग्रुप एनाग्राम मैं सिंपल सी उसमें समझाता हूँ बहुत सिंपल बहुत प्यारा क्वेश्चन हमें स्ट्रिंग दी हुई है ठीक है स्ट्रिंग्स ऑफ स्ट्रिंग दी हुई है काइंड kind ऑफ of, जिसको आप वैक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग भी बोल सकते हो एंड इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं और इन स्ट्रिंग्स को हमें एनाग्राम के उसमें ग्रुप करना है एनाग्राम क्या होते हैं जो वर्ड सेम होते हैं बस उनका ऑर्डर डिफरेंट होते हैं जैसे ईट और टी एनाग्राम है एंड एट एनाग्राम है अगर इनको आप इनके मतलब वर्ड सेम है इनमें है ना तो हमें इसे ग्रुप करना है वैक्टर्स को और हमें रिटर्न करना है तो अब आते हैं बिल्कुल सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन पे पर मैंने लिख लिया ये ऐसे ऐसे ये सीन है अब देखो भूल जाओ कि क्वेश्चन है या फिर कुछ भी है सब भूल जाओ <laughs> मेन एक चीज़ सुनो ठीक है मैं एक वर्ड देता हूँ तुम्हें ईट इन्हीं के बारे में बात करेंगे ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा मैं एक वर्ड देता हूँ ठीक है ईट दे दिया और एट दे दिया और एक और दे देता हूँ टी है ना और बस तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ सॉर्टिंग ऐसे बोल देता हूँ सॉर्टिंग अब जैसे ही मैंने सॉर्टिंग बताया दिमाग में आया कि यार ये सॉर्ट हो सकते हैं और इन्हें सॉर्ट करके देखते हैं सॉर्ट करके देखा तो इससे आया ए ई टी इससे भी आया ए ई टी और इससे भी आया ए ई टी ठीक है अगर इसको मैं एक तरीके से लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ए टी कॉरस्पॉन्ड्स टू और मैं इन बीच वालों को हटाना चाहता हूं ठीक है ए ई टी कॉरस्पॉन्ड्स टू ईट एट एंड टी ठीक है अब मैं इसे अगर रोटेट कर दूँ आएंगे अभी चीज़ें समझ आएंगी बहुत 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 प्यारी एक्सप्लेनेशन मेरे खुद पता है मैं अगर इसे रोटेट कर दूँ और मैं इसको ऐसे लिखूँ ईट एट एंड टी आ रही आ रही बन रही पिक्चर अभी बनेगी मैं एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं रहा मैं कुछ समझा ही नहीं रहा कोड कैसे होगा क्या नहीं खुद ही आ जाएगा सारा समझ में ठीक है अच्छा आ, अभी भी नहीं आएगी अभी थोड़ी सी गैप है ना अब मैं अगर इस चीज़ इसको इसको पॉइंट कर देता हूँ इन तीनों को ना ऐसे पॉइंट कर देता हूँ कि ये तीनों इसी से निकल रहे हैं अब मैं अगर इसको एक बॉक्स में बंद कर दूँ ठीक है अब मैं उस बॉक्स की शेप ऐसी कर दूँ ई ए टी ए टी ई टी ई ए और इसकी बॉक्स की शेप में कुछ ऐसी कर दूँ ठीक है मैं फिर से अपना वहीं पर लिख दूँ ए टी -E कुछ आया कुछ बना समझ में कुछ पिक्चर बनी मैं कुछ, कुछ बोलूँगा ही अगर नहीं अगर पिक्चर नहीं हुई नहीं कोई सीन नहीं है दो लेटर और ले लेते ले हैं ले दो लेटर और ले लेते ले हैं ले एक मैं ले लेता हूँ आपका एन ए टी ले लेता हूँ और एक लेटर में ले लेता हूँ आपका uh, क्या था टी ए एन ले लेता हूँ फिर से सेम चीज़ करूँगा है ना इनको दोनों को सॉर्ट कर लिया मैंने इनको दोनों को सॉर्ट कर लिया ए एन टी बन गया और इसमें भी ए एन टी बन गया तो अगर मैं एक तरीके से देखूँ तो ए एन टी किस को पॉइंट करेगा ए एन टी पॉइंट कर रहा है एन ए टी को और टी ए एन को अभी भी पिक्चर समझ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है एक और वर्ड ले, ले लेते हैं नेक्स्ट वर्ड हो गया हमारा बैट बैट अपने आप में अकेला बैट को अगर आपने वो भी कर दिया सॉल्ट तो ये ए बी टी बना लेगा ए बी टी किस को पॉइंट कर रहा है ए बी टी सिर्फ इकलौते वर्ड को पॉइंट कर रहा है बैट को अब पिक्चर क्लियर होनी चाहिए अभी भी नहीं हो ना मैं इरेज करता हूँ चीज़ों को और क्लियर होगी मैं इसको इरेज करता हूँ मैं नेमिंग मैं नेम देना शुरू करता हूँ नेम देना शुरू करता हूँ ठीक है बहुत ध्यान से नेम देखना की वैल्यू की वैल्यू और ओवरऑल ये क्या हो गई इनकी ये हो गई मैपिंग ऐसे लग रहा है ए बी सी डी पढ़ा रहा हूँ छोटे बच्चों को मैपिंग हो गई ठीक है अब तो आई ही गया वो समझ सी एस को स्टूडेंट और मैपिंग आती है तो अब तक तो, तो आ जानी चाहिए ठीक है थीके? क्या करा कुछ नहीं करा कुछ भी नहीं करा एक एक वर्ड पे गया हर एक वर्ड पे गया ईट टी इन सब वर्ड्स पे गया इनको सॉर्ट करा एक मशीन बनाओ ऐसे करके एक एक मशीन बनाओ इस तरफ से एक वर्ड जाता है ठीक इस है इसमें कुछ ऑपरेशन होते हैं इसमें होता है पहला ऑपरेशन सॉर्ट का ठीक है तो अगर मैं वर्ड को भेजता हूँ ई ए, ए टी को मैं भेजता हूँ तो इस मशीन के अंदर जब वो वर्ड जाएगा तो क्या हो जाएगा ए ई टी हो जाएगा वो ठीक है इसमें ऑपरेशन होता है सॉर्ट का सॉर्ट के बाद ये वाला जो है इसको हम मान लेते हैं अपनी की इसको मान लेते हैं हम अपनी की और हमारी वैल्यू क्या हो जाती है हमारी वैल्यू हो जाती है जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी तो चीज़ें पलट गई चीज़ें कैसे पलटी जैसे इसको ऊपर यहीं यही यहीं करके दिखाता हूँ तो दिखता भी रहेगा जैसे ईट था ईट को सॉर्ट करा तो ई टी आया अब एक चीज़ देखो इंस्टेंस किसके ज़्यादा होंगे वैल्यू मतलब की मैप में जो मैप होता है मैप के अंदर की कौन सी चीज़ बनती है जो आ, जो बार बार आ रही है है ना जो बार बार आ रही है जिससे ज़्यादा रिलेशन है चीज़ों के की क्या बनता है अगर मैं ए बी सी डी ए बी ऐसे करके एक वो लिखूँ एक आ रहे लिखूँ ठीक है कैरेक्टर आ रहे मैं इसमें बोलूँ इसकी फ्रीक्वेंसी निकालू उसका फ्रीकवेंसी आ रे बना उसका फ्रिक्वेंसी ऐसे कैसे बनाएंगे ए बी सी डी बस इतना इसके आगे इसके आगे इसके आगे इसके आगे हमने इसी को क्यों की बनाया मतलब बनाने को तो ऑब्वियस सी बात हम दूसरी चीज़ भी बना सकते थे कि बट हमने इसको की बनाया क्यों बनाया क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है ये चीज़ें रिपीट हो रही है ये एंटिटी रिपीट हो रही है ए दो बार आ रहा है बी दो बार आ रहा बाकी दोनों एक एक बार आ रहे हैं हमने इसको की बनाया ना क्योंकि रिपीट हो रही थी अब यहाँ पे सेम चीज़ देखो ईट है ईट का जो ए ई टी वर्ड है ये ए ई टी वर्ड जो शॉर्ट करके आया है ये एनाग्राम होने की वजह से बहुत बार रिपीट होगा मतलब ईट अगर मैं सपोज़ करके चल रहा हूँ कि ऐसे ए ई टी का एनाग्राम्स हैं और भी ठीक है तो ये एनाग्राम होने की वजह से अलग अलग फॉर्म्स में रिपीट होगा जैसे अभी ये ईट पर रिपीट हो रहा है उसके बाद ये टी पर रिपीट हुआ फिर ये एट पर रिपीट, रिपीट हुआ रिपीट हो रहा है कोई चीज़ रिपीट हो रही है उसको क्या बनाओगे उसको बनाएंगे की तो की किसको बनाऊं मैं की बनाता हूँ ए ई टी को वैल्यू किसको बनाऊं मैं वैल्यू किसको बनाऊं जो इसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं अगर मैं किसी एक छोटे बच्चे से बोलूं कि आपके पास थ्री वर्ड्स हैं ए ई e, टी और इसमें से आप मेरे को वो वर्ड्स निकाल के दे दो जो ए ई टी से सिमिलर है मतलब जो ए ई टी से बनाए जा सकते हैं तो वो क्या क्या वर्ड ला के देगा वो मेरे को वो मेरे को ईट ला के दे देगा यहाँ पे वो मेरे को एक टी ला के रख देगा और ए एट लिए ला के रख देगा अब अपने को क्या करना अपने कुछ नहीं करना सिर्फ इसको ऑफिशियल वे में ऑफिशियल मतलब एल्गोरिथमिक वे में लिखना है इसको वो कैसे लिखना है ये चीज़ क्या है ये चीज़ क्या है स्ट्रिंग होगी अपने आप में ऑब्वियसली बात है ये एक स्ट्रिंग है जैसे मैं ये पूरा इसको वेक्टर ऑफ वैक्टर मान रहे हो ठीक है इसको वेक्टर ऑफ वेक्टर मान रहे हैं हम कैसे मान रहे हैं कि वेक्टर ऑफ वेक्टर भी नहीं आई गेस ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है हाँ ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है ठीक है अब ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है इसमें अगर मैं यार इतना तो अब मैं बताने की जरूरत है नहीं पर फिर भी बताता हूँ स्ट्रिंग जी, स्ट्रिंग जीरो किसको पॉइंट करेगा ईट को ये क्या होगा ये होगा स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू ये तो पता ही होंगी सारी चीज़ें ये ये होगी स्ट्रिंग टू तो अब मैं अगर कुछ नहीं करना एक सेकेंड इसको अंडू कर दूँ हाँ ये अपने आप में स्ट्रिंग है ए ई टी अपने आप में स्ट्रिंग है इसके बहुत सारे इंस्टेंसेज आगे आने वाले हैं तो अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पर इसको एक स्ट्रिंग बनाया तो हम मैप को धीरे धीरे डिफाइन कर रहे हैं मतलब वी आर डूइंग रिवर्स साइकोलॉजी काइंड ऑफ थिंग हम मैप को डिफाइन कर रहे हैं कि हम मैप डायरेक्ट नहीं बना रहे कि यार मैप में क्या क्या लाऊं क्या लगाऊं क्या नहीं नहीं नहीं, नहीं लॉजिक से अपने आप निकल के आ जाएगा स्ट्रिंग है तो हमारे जो मैप की की वैल्यू पेयर है मैप कैसे डिफाइन करते हैं अनऑर्डर्ड मैप लिख लिया यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप लिख लिया उसके बाद पहली पेयर डिफाइन करते हैं मतलब पहला डेटा टाइप डिफाइन करते हैं जो कि जो कि क्या है ऑलरेडी बता दिए की होती है की क्या है की हमारी स्ट्रिंग है पहला डेटा टाइप की होता है ना की क्या है कि हमारी स्ट्रिंग है अब इस पे आते हैं ये क्या होगा ऐसी क्या चीज़ होती है इसको मैं जूम कर जूम आउट करके ऐसी क्या चीज़ होती है जिसमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स जिसमें एन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हम स्टोर करा सकें होती है तो बहुत सारी चीज़ें बट यहाँ पे फिजेबल क्या रहेगा वेक्टर यूज़ करना किस चीज़ का वेक्टर यूज़ करेंगे हम हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग्स का वेक्टर स्ट्रिंग्स का वेक्टर मतलब जिसको कोई भी नेम दे दे देता हूँ मतलब ये जो चीज़ है हमारी ई ए टी टी एट ये एक पूरा वेक्टर हो जाएगा इसको आप ऐसे कंसीडर कर लो कि एक टॉफ़ी है टॉफी की तरह इसको कंसीडर कर लो ये एक टॉफ़ी हो गई है ठीक है बस अब हमारे इस टॉफी का लेबल क्या है हमारे टॉफ़ी का लेबल ए टी हो गया तो अगर मैं आपको बताऊँ कि आपके पास बहुत सारी टॉफ़ीज़ पड़ी हुई हैं ठीक है थीके? आपके पास बहुत सारी टॉफ़ीज़ पड़ी हुई हैं इसका मैं लेबल लिख देता हूँ अगर कलर चेंज करके कि इसका लेबल ए ई टी है अब इसके अंदर अब इसके अंदर आपको बहुत सारी ब्रोकन टॉफ़ वो मिलेंगी टॉफ़ीज़ मिलेंगी जैसे ईट जैसे टी और जैसे एट ठीक है तो यही करना है बस अब इन बहुत सारी टॉफ़ीज़ को सम अप कर देना हमें हमारा जो ओवरऑल आंसर होगा वो ऐसी बहुत सारी टॉफीज़ होंगी जो कि एक उसके अंडर में लाई करती होंगी जैसे कि नेक्स्ट और वो नेक्स्ट वो जो है हमारी ईट हो गया उसके बाद क्या था हाँ ये टेन था <coughs> तो ये किस में लाई करता होगा ये एंड टी के अंडर लाई करते होंगे और क्या वो होंगी इनकी इनकी होगी एन ए टी और टी ए एन करके एक टॉफी और बची हमारी मैं इसी वाले एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ एक टॉफ़ी और बची हमारी जो कि होगी बी ए टी और जो कि लाई करती होगी किसके अंडर में जो कि लाई करती होगी ए बी टी के अंडर में और हमें क्या करना है हमको रिटर्न क्या करवाना है हमें बस ये पूरा एक रैपर ये रैपर कैसे बनता है हाँ ये जो पूरा एक रैपर है इस रैपर को हमें रिटर्न करवाना और ये और ये रैपर क्या होता है ये होता है वैक्टर ऑफ वैक्टर वेक्टर ऑफ वेक्टर किस चीज़ का वेक्टर इसमें क्या दिख रहा है इसमें आ, ये जो चीज़ है ये जीरो इंडेक्स पे है ये चीज़ यार जैसे मैट्रिक्स नहीं होती है टू इंडेक्स पे है इसमें फर्स्ट चीज़ पे क्या दिख रहा है फर्स्ट पे स्ट्रिंग दिख रही है और उस वेक्टर के अंदर क्या चीज़ें दिख रही हैं उस इस ये ये भी तो अपने आप में वेक्टर है इसका क्या टाइप होना चाहिए इसका भी स्ट्रिंग टाइप होना चाहिए तो स्ट्रिंग टाइप का बन जाएगा तो बेसिकली हमें क्या रिटर्न कराना है मैं वेक्टर ऑफ वेक्टर स्ट्रिंग टाइप के रिटर्न कराना यहाँ मैंने डिक्लेयर भी कर रखा है ये रो वेक्टर ऑफ वेक्टर स्ट्रिंग टाइप का <coughs> अब समझाता हूँ जो बीच में चीज़ छोड़ दी थी की वैल्यू पेयर वाली बात बाकी इन सबको इरेज कर देता हूँ एक सेकेंड की वैल्यू पेयर की हम बात कर रहे थे यहाँ पे वापस उसी पे आ जाते हैं तो हमने बना लिया अपना की वैल्यू पेयर फर्स्ट वाला ठीक है कैसे ला कर रहा हाँ हमने अपना फर्स्ट की वैल्यू पेयर बना लिया अब हम सेकेंड थर्ड भी ऐसे ही बना लेंगे जिसका नाम होगा मैं यहाँ पे इसको इरेज करके एक बार बता देता हूँ जिसका नेम होगा ए एन टी और जिसकी एक ऐसी अपनी टॉफ़ी होगी अरे मैंने नीचे तो लिखा ही है समझ जाओ मैं टॉफ़ी ऑफ़ी नहीं बना रहा एन ए टी टी ए है ना वो है हैं सीधे अलग और दम लॉजिक तो समझ आ गया करना क्या यहाँ पे भी इसको भी सॉर्ट कर लिया एक चीज़ याद रखना जब भी कोई स्ट्रिंग मिल रही है हमें मैंने ऊपर जो मशीन बनाई उस मशीन की तरफ देखो इस मशीन में जब भी कोई वर्ड जाता है वर्ड क्या है ये पूरी एक स्ट्रिंग है अगर मैं इस वर्ड को और टेक्निकल फ्रेज़ में लिखूँ तो ये पूरी स्ट्रिंग है जब इसके अंदर एक स्ट्रिंग जाती है तो स्ट्रिंग पे सबसे पहला ऑपरेशन होता है कि उसको सॉर्ट किया जाता है और फिर उसको मैप करते हैं पहले सॉर्टिंग होती है इसकी और उसके बाद इसकी मैपिंग होती है की वैल्यू पेयर के हिसाब से तो कोई भी डिजिट आएगी उसको पहले सॉर्ट करना बस ये याद रखो सॉर्ट कर लिया अब अगर हम लास्ट वाले डिजिट को देखें तो सॉर्ट करके आएगा ए बी टी और उसकी जो डिजिट होगी वो होगी बी ए एन टी जो उसके टॉफी के अंदर होगा शॉर्टेड अभी देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे इसको कोड वोड कैसे करना है अनऑर्डर्ड मैप ले लिया मैंने पहले ही बताया था पहला टाइप होगा कहाँ गया वो अच्छा वो इरेज़ कर दिया मैंने ठीक है मैंने यहाँ पे पहले बताया था कि पहला टाइप ये टाइप होगा स्ट्रिंग का यार ये तो एक पागल आदमी भी देख के बता देगा कि भाई ये तो टाइप है स्ट्रिंग का कोडर पागल ही होते हैं से और ये टाइप है आपका वेक्टर का तो आप मेरा मैप कैसा बनेगा मेरा मैप बनेगा स्ट्रिंग कॉमा वेक्टर उसका डेटा टाइप का तो स्ट्रिंग को हमें वैक्टर का बना लिया मैंने अब वैक्टर के अंदर भी तो पता होना चाहिए इस वक्टर के अंदर कैसी स्ट्रिंग क्या क्या एंटिटीज डलेंगी सोचो यहाँ वन टू थ्री होते हैं फिर तो क्या, कैसी एंटिटीज डलेंगी इसके अंदर स्ट्रिंग की एंटिटीज डलेंगी तो ऐसे डिक्लेयर करते हैं वैक्टर स्ट्रिंग ये पूरा मैप आप डिक्लेयर कर लिया एक टेम्परेरी वो ले बताता हूं, ली बताता हूँ टेम्प क्यों लिए अब रन करना शुरू करा लूप अब हम किसके ऊपर रूप लूप रन कर रहे हैं इसको मैं उठा के अगर यहाँ ले जाऊँ कितना अच्छा नहीं हो जाएगा अरे बहुत बढ़िया फुल फंक्शनैलिटी बनाई हुई है ठीक है अब हम लूप रन करेंगे अपना ज़ीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव इसके ऊपर ठीक है तो अगर मैं स्ट्रिंग ऑफ जीरो बोलूँ तो आपके माइंड में पहली चीज़ आनी चाहिए एट स्ट्रिंग अगर मैं स्ट्रिंग ऑफ टू बोलूँ तो आपके माइंड में आना चाहिए टेन और ये अपने आप में पूरी पूरी स्ट्रिंग है अगर मैं स्ट्रिंग ऑफ फाइव बोलता हूँ तो योर माइंड शुड से बैट अब आ जाते हैं इस पर यहाँ से लूप शुरू हो गया हमने पहली अपनी जो भी हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग थी फर्स्ट कौन सी थी ईट थी हमारी फर्स्ट हमने ईट अपनी टेंप में स्टोर कर कर चलो मैं करके -कर कर दिखाता रहता हूँ हमारी स्ट्रिंग आ गई ईट अब आ जाए दोबारा इस पे सॉर्ट कर लिया हमने मैंने बताया था मशीन के अंदर जब भी हमें स्ट्रिंग मिलेगी जब भी हमें कोई वर्ड मिलेगा वो सॉर्ट होगा मैंने सॉर्ट कर लिया सॉर्ट किसको करा सॉर्ट किसको करा ये चीज पे ध्यान दो सॉर्ट मैंने ओरिजिनल स्ट्रिंग को करा एस टी आर को मतलब मैंने टेम्प के अंदर ईट डाल दिया है उसको वैल्यू स्टोर तो करा दी अब मैं ईट को सॉर्ट कर रहा हूँ तो अगर मैं सॉर्ट ईट लिखता हूँ यहाँ पे एज अ सूडो कोड तो मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को ए ई टी मिलेगी अब ये देखो ये ए ई टी क्या है ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये मेरी की बनने जा रही है क्योंकि इसके बहुत सारे इंस्टेंसेज मिलने वाले अब की कैसे बनाते हैं की बनाते हैं कि इसको ये ए ई टी है हमारी इसका मतलब यही है मैप ऑफ मैप ऑफ ए ई टी अब की अपनी वैल्यू को पॉइंट करेगी की अपनी वैल्यू को पॉइंट करेगी पॉइंट कैसे करते हैं या तो उसके साथ पुश बैक करा दो कुछ ठीक है या तो उसके साथ पुश बैक करा दो या फिर इक्वल्स टू करके उसके सामने लिखवा दो तो कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते है इसलिए बैक करा रहे हैं अब बैक कराया डॉट पुश बैक क्या कराएंगे क्या बैक कराना चाहते हो जो भी स्ट्रिंग बने जो भी वो बनेगी जो भी इसका टेम्प बनेगा क्यों मैं बताता हूँ पुश बैक क्यों करा रहे हैं आपने एक टॉफ़ी इस तरह से खोल के रख दी एक रेपर खोल के रख दिया और इसका नाम रख दिया ए ई टी एंड आपने सिर्फ एक कंडीशन रखी कि अगर आप ए ई टी हो इफ यू आर ए ई टी इन एनी फॉर्म आप ए ई टी हो किसी भी फॉर्म में या तो आप ईट हो या फिर आप टी हो जो भी जो भी जितने भी फॉर्म्स हैं आप जिस भी फॉर्म में हो अगर आप हो तो आप इसके अंदर पुश पुशबैक होकर आ सकते हो हमारी वेक्टर के अंदर आपका स्वागत है तो उसको कैसे करेंगे डॉट पुश बैक और मैंने यदि टैंप की वैल्यू पहले इसलिए लिखी थी ताकि ये मेरी वैल्यू डिस्ट्रॉय ना हो मैंने ईट को तो यहाँ शॉर्ट कर लिया था इमेजिन करो अगर मैं टेम्प की वैल्यू नहीं लिखता तो मेरी ये तो डिस्ट्रॉय हो जाती ईट की वैल्यू मैं ये वाला इसकी वैल्यू लेके कहाँ से आता ओरिजिनल वैल्यू समझो इस चीज़ को तो मैंने टैंप की वैल्यू इसलिए लिखी है मेरे पास ईट है अब मेरे को पता चल गया कि ईट जो है वो इसका वो है क्या नाम है काइंड ऑफ यू नो रिलेशन है या फिर इसकी फॉर्म है एक ए ई टी की फॉर्म है ईड तो मैं इस टेम्प को इस टेम्प को मैं ए ई टी में बहुत सक्सेसफुली पुश करा सकता हूँ अब ये काम हमें नहीं करना ये काम मैप अपने आप कर लेगा मैं जब जब मैं आपको बोलूँगा कि मैप और इसके अंदर मैं कोई भी एक वैल्यू दे दूंगा सपोज मैंने बी ए टी करके नहीं सपोज मैंने ए बी टी करके वैल्यू दे दी अब ए बी टी की जितनी भी इंस्टेंसेस ए बी टी की जितनी भी इंस्टेंसेस मेरी इस स्ट्रिंग में रही होंगी कौन सी वाली स्ट्रिंग में अरे जिसे मैं ऊपर ले गया था इस स्ट्रिंग में जितनी भी मेरी ए बी टी की इंस्टेंसेस रही होंगी इंस्टेंसेस मतलब पूरी पूरी स्ट्रिंग वो इनको ला के अपने सामने पुशबैक करा देगा क्योंकि मैंने लिखा हुआ वो पुशबैक करा देगा अपने पूरे उस रैपर में पूरे उस के रैपर में उसको पुशबैक कराता रहेगा कब तक जब तक इसकी इंस्टेंसेज मिलनी बंद नहीं हो जाती तो ये भी समझ आ गया होगा यहाँ पुश बैक करा दिया अब इसके बाद इस लाइन के बाद मेरे पास क्या तैयार हो गया इस लाइन के बाद मेरे पास ये चीज़ तैयार हो गई है कि सब ने अपनी अपने कीज़ के कॉरस्पोंड में एक एक वैक्टर तैयार कर लिया है ये देख रहे हो इसका मतलब क्या था इस लाइन का मतलब क्या था एक कहा एक सेकेंड कहाँ गई इस वाली लाइन का मतलब क्या था इस लाइन का बस मतलब सिर्फ एक था मैं आप एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हर स्ट्रिंग हर स्ट्रिंग अपने कॉरस्पोंड में एक एक वेक्टर रेडी कर लेगा एक एक वेक्टर रेडी कर लेगा अपने को में और इस पूरे को हम मैप बुलाएंगे, इस पूरे को मैं मैप बुलाऊंगा क्योंकि मैपिंग कर रहा हूँ मैं बस इस लाइन का मतलब ये था और यहाँ तक वो चीज़ हो चुकी है अब आते हैं इससे आ गया अब इसकी नीड क्या है अब देखो हमारे पास ये चीज़ आ गई और हमें यही प्रिंट करनी है अगर मैं आपको इसमें आंसर में, में दिखाऊं तो हमें यही प्रिंट करनी है ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ये ये वाली स्ट्रिंग ये वाला वेक्टर पहले आ सकता है या ये वाला बाद में आ सकता है कुछ भी ऑर्डर हो सकता है ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता तो हमारे पे पहले ये वाला वैक्टर आ रहा है ई ए टी वाला ये वाला ये पूरा एक वैक्टर है तो इसकी ऐसे पूरे की वैक्टर ऑफ वैक्टर बनाना है तो हमने इसको उठाया और हमने इसको अपनी वाली अपनी पूरे एक वैक्टर बॉक्स में रख दिया अब मैं वैक्टर ऑफ वक्टर को कैसे समझता हूँ और मैं कैसे समझाता हूँ मैं इसको एक किट कैट की वो समझता हूँ वेफर समझता हूँ जो किट कैट वाली चॉकलेट आती है उसको ऐसे समझता हूँ ठीक है और इसका हर एक वेफर हर एक वेफर को मैं लेवल बुलाता हूँ और या फिर वेफर भी बुला लेता हूँ ठीक है और इस पूरी को पूरी उसको मैं किट कैट बुलाता हूँ तो जितने भी ये वेक्टर्स हैं ना अगर मैं वी जीरो को कॉल करूँ या फिर वी वन को कॉल करूँ तो मेरे अपने आप में भी एक वेक्टर है इन पर भी अलग से वेक्टर ऑपरेशंस लगाए जा सकते हैं और ये पूरा भी मेरा एज अ एक टू डी है तो ये वाली जो ईट है ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये यहाँ पे आएगी ये नेट वाली जो वैल्यू है मिड में आएगी और बैट वाली यहाँ पे आएगी ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ऑर्डर कुछ भी हो सकता है और ये मेरी पूरी किटकाट तैयार हो गई तो मैंने अपनी किटकाट को भी नाम दिया हुआ आंसर करके आप इसको तो किटकाट भी नाम दे सकते हो अब मैंने क्या किया ऑटो यूज़ करके आप इसमें सिंपल वो वाला फीचर भी यूज़ कर सकते हो और ऑटो एक्स करके और उसको मैप कर दो और फिर एक्स को यूज़ कर लो आगे जाके ठीक है तो मैंने यहाँ पे मैप नॉर्मली रन कर दिया इस आईटी का फायदा ये होता है कि हमें ना इसमें एरे uh, की तरह हमें एरे की तरह ये नहीं करना पड़ता आई का जीरो क्या होगा आई का वन क्या होगा करते थे ना इसके अंदर जैसे एरे ऑफ आई क्या होगा एरे ऑफ वही आई प्लस वन क्या होगा ये नहीं करना पड़ता आई जाता है सारी लोकेशंस पे आइटरेटर अपने आप लेके जाता सारे मैप पे मैप पे वर्क करता सारे आइटरेटर अपने पहले इस पे जाएगा फिर इस पे इस पे जाएगा और फिर आईटी को यूज़ कर लो जैसे भी यूज़ करना है तो आईटी मान लो फर्स्ट यहाँ पे पहुँचा आईटी पहले यहाँ पे पहुँचा आई टी यहाँ पे खड़ा हुआ है तो अब आई टी के पास बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं एक ऑपरेशन होता है जो वैल्यू निकालने के लिए यूज़ होता है वो होता है डॉट सेकेंड करके डॉट सेकेंड या फिर उसको आप एरो सेकेंड भी कर सकते हो उससे क्या होगा उससे जो भी सेकेंड की वैल्यू पड़ी होगी अगर मैं सिंपल वे में बहुत सिंपल वे में समझाऊ मैप में फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ए को मैप कर रखा है वन से बी को मैप कर रखा है टू से सी को मैप कर रखा है थ्री से अगर मैं यहाँ पे आईटी को अपना आईट्रेटर को उसका नाम कुछ भी रख सकते हो उसका नाम चीज भी रख सकते हो अगर मैं यहाँ पे ला के उसको बोलूँ कि मेरे को सेक अपनी सेकेंड अपनी सेकेंड मतलब मेरे को अपनी वैल्यू प्रोवाइड करा अपना सेकेंड वैल्यू प्रोवाइड करा तो मेरे को वन दे देगा ला के तो यहाँ पे मेरे को क्या दे रहा है मैं किस चीज़ में पुश बैक करा रहा हूँ अभी मैं अपने किटकाट के वेफर को अपने बड़े वाले आ रहे पुश बैक करा रहा हूँ ये चीज़ समझने की नीड है हमें कि ये मेरा वेफर तो ला के दे रहा है यहाँ से मेरा जो मैप है मैप यहाँ पे आया मैप ने बोला ला भाई मेरे को वेफर दे इसके हाथ में वेफर आ गया अब ये वेफर लेके जाएगा और ये वेफर इसमें इंसर्ट करा देगा इस वाली में इंसर्ट करा देगा वेफर ठीक है फिर से सेकेंड फिर नेक्स्ट वाली पे आएगा नेक्स्ट वाले पे यहाँ पे आएगा इस वाली पे इस पर पूछेगा अपनी सेकेंड वैल्यू बता वेफर लिया वेफर उठाया किटकाट में इंसर्ट करा दे और इन द एंड ऐसा दिखेगा हम उसको रिटर्न करा देंगे दैट वॉज इट थोड़ी लंबी थी बट आई डोंट थिंक इससे बड़ी एक्सप्लेनेशन यार दी होगी किसी ने सो थैंक यू फॉर द वीडियो